हेलो दोस्त, हम लोग चकबंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग आज से चकबंदी, जमीन से संबंधित जो चकबंदी एक विषय होता है, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अब व्याख्या करते हुए आपको बताएंगे कि चकबंदी आखिर होता है क्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सर्वे जब होता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आप ये जानना जरूरी है, और हर किसान को, प्रत्येक व्यक्ति को जिसको ज्यादा मात्रा में जमीन हो, इसको भरपूर इससे लाभ होता है और समझते हैं। तो हम इस वीडियो में आज से, ऐसे एक पहले वीडियो आप चकबंदी क्या होता है डाल दिए, लेकिन आज से इस विषय को स्टार्ट करते हुए हम चलेंगे। उसके बाद फिर सर्वे पढ़ाएंगे, पहले चकबंदी खत्म करते हैं। पिछले वाला में हम खानापुरी पढ़ाए थे, उससे पिछले वाला में हम किश्तवाड़ में पैमाइश पढ़ाए थे आप लोगों को। तो ठीक है, चकबंदी का आप हम लोगों का क्लास चलेगा, तो आप लोग अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटा को बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कीजिए। और इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो जो लिखा है उसको सेलेक्ट कीजिए। पूरा का पूरा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्लास बाय क्लास वीडियो पाने के लिए प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और क्लास बाय क्लास वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेलो दोस्त, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे चकबंदी का संक्षिप्त में वर्णन, और चकबंदी करने से पहले जो उसका प्रारूप तैयार किया जाता है उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। यानी इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक तो चकबंदी के संक्षिप्त में वर्णन करेंगे और प्रारूप समिति यानी प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है उसको संक्षिप्त में हम वर्णित यहाँ पे करेंगे, यानी वर्णन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब चकबंदी का कार्य शुरू करना रहता है, यानी चकबंदी शुरू करने से पहले, गांव में, जिस गांव में चकबंदी होगा वहां पे सलाहकार समिति का एक गठन किया जाता है, जिसमें गांव का ही सदस्य सब रहते हैं, यानी गांव के ही व्यक्ति सब उसमें रहते हैं। और उस गांव के व्यक्ति से सलाह लेकर, विचार लेकर, विमर्श करके, मतलब विचार विमर्श करके एक विचार को निश्चित किया जाता है, और उसके बाद यह तय हो जाता है, यानी ये फिक्स हो जाता है कि गांव में कहां से चकबंदी का कार्य शुरू किया जाएगा। तो जब ये भी तय हो जाता है कि जब कहां से गांव में चकबंदी का कार्य शुरू किया जाएगा, तो इस चकबंदी का जो चकबंदी का कार्य शुरू जो करता है तो उससे पहले प्रारूप समिति का मतलब तैयार किया जाता है। तो प्रारूप समिति तैयार करते वक्त, यानी प्रारूप समिति जो है सो उसको तैयार करते वक्त कुछ बातों पे, यानी कुछ ऐसे ऐसे बात होते हैं जिसपे विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे सार्वजनिक स्थान का प्लॉट नंबर, जैसे समझिए सार्वजनिक जमीन का प्लॉट नंबर, जैसे उसमें आप समझ लीजिए रोड, स्कूल और सार्वजनिक जमीन, यानी सार्वजनिक जमीन को अदला बदली, यानी कोई किसान है यानी सार्वजनिक जमीन को अदला बदली करके मूल्यांकन करने के बाद उस जमीन का लगान, क्षेत्रफल, क्षतिपूर्ति, इस सब को ध्यान में रखते हुए, और देवस्थल, अगर देवस्थल का मतलब होता है मंदिर, मंदिर मस्जिद, यानी अपने धर्म से जुड़ा जितना भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, उस सब को भी ध्यान में रखते हुए उस प्रारूप समिति को नक्शा देख के, यानी इस सब नक्शा बनाते हुए प्रारूप समिति को तैयार किया जाता है। यानी प्रारूप समिति का जो रिपोर्ट है नक्शा के अनुसार तैयार किया जाता है। तो ये हो गया क्या कि प्रारूप समिति, यानी चकबंदी होने से पहले प्रारूप समिति का गठन होता है।
तो ऐसे होता है, गांव में जाता है, गांव में जाता सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, वहां के गांववासी से बात करते हैं, एक विचार को निश्चित करते हैं कि कहां से चकबंदी का कार्य आरंभ होगा, और विशेष रूप से सार्वजनिक जमीन का जो प्लॉट नंबर होता है, स्कूल रोड, जमीन का जो अदला बदली होता है, उस जैसे कोई रैयत है, कोई जमीन को अदला बदली किया तो उसका क्षतिपूर्ति मूल्यांकन करने के बाद जो भी होता है उसको किया जाता है, प्लस जो है जो भी देव स्थल भूमि होता है यानी मंदिर मस्जिद जो भी, उसको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट का तैयार करता है। और दूसरा बात कि चकबंदी क्या होता है कैसे, तो हम पिछले वाला वीडियो में आपको बता चुके हैं और इसका संक्षिप्त यहाँ पे वर्णन कर देते हैं कि चकबंदी क्या होता है। देखिए चकबंदी का संक्षिप्त वर्णन यही है कि जब गांव जमीन का कोई टुकड़ा रहता है उसको चारों ओर से घेर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। इसका बहुत ऐसा ऐसा कारण है कि छोटा छोटा टुकड़ा को एक जगह करने में उसको लाभ होता है, कि किसान सबको खेती करने में आसान होता है, छिटपुट जमीन रहता जो एक जगह हो जाता है। इसके बारे में आपको विशेष रूप से अभी आगे वाला वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो में हम लोग जो है चकबंदी विषय मतलब चकबंदी विषय पे पूरा चलेगा, जैसे पिछले वाला खाना पूरी पे चला, करीब 51-52 वीडियो करीब चला, इसमें क्लास चलेगा ऐसी ही करीब जितना चले, ठीक है, ज्यादा नहीं चलेगा, मुश्किल से बहुत कम ही, समझिए बहुत कम ही चलेगा, ये छोटा सा चैप्टर है तो चकबंदी का आरंभ हो, तो आप लोग जान गए होंगे उम्मीद है, समझ गए होंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और वहां आप हमको बता सकते हैं, वहां पे हम आपका आंसर देंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं और अभी तक मैथ का, खाना पूरी और कई संबंधित जमीन से संबंधित क्लास था जो हो चुका है, यानी विषय था अभी तक हो चुका है, अगर वैसा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो जब खत्म होता है तो वहां पे चार कार्ड आएगा, उस कार्ड में प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, वहां से आप क्लिक करके वहां सारा का सारा वीडियो वहां से देख सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं और चैनल पे जाके तो देख ही सकते हैं वीडियो सेक्शन में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, तो ठीक है।